नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। अनूपपुर शहडोल जिले की सीमा पर ग्राम पंचायत बकही में जहां रेत का खुला कारोबार ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है, तो आए दिन रेत ठेकेदार की गुंडे भोले भाले ग्रामीणों को मारपीट करने की धमकी देते दिख रहे हैं। वहीं रेत ठेकेदार खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से रॉयल्टी से भी ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, पर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी रेत ठेकेदार व खनिज विभाग के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज सुबह से ही ग्राम बकही में रेत ठेकेदार व ग्रामीणों के बीच विवाद दिखा। गाड़ी मालिक किसानों की खेती को उजाड़ कर अपनी गाड़ी चलाने व ग्रामीणों के साथ खुलकर दादागिरी करते दिख रहे हैं। आज ग्रामीणों ने रेत की गाड़ियों को गांव के बाहर ही खड़ा कर दिया और अपने खेतों से नहीं निकलने दिया। इसकी जानकारी जब माइनिंग अनुपपुर को दी गई, पर वो रेत ठेकेदार के साथ बैठकर मिठाई खाते दिखे और पत्रकारों के सामने किसी को गाली गलौज करते दिखे। मीडिया के सवाल करने पर भड़क उठे, ये कैसे अधिकारी हैं जो सवाल पूछने में भड़क उठे। ग्राम बकही के बाहर आंगनवाड़ी बना हुआ है, वहीं की आशा कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि हम इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से बहुत परेशान हैं। रेत ठेकेदार के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाता है, जिससे आए दिन यहाँ पर मारपीट हुआ धूल उड़ता है। इसकी शिकायत परियोजना अधिकारी से अनूपपुर को दी गई, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम पंचायत बकही सरपंच को भी कई बार इसकी शिकायत की गई, पर वह रेत ठेकेदार की ही बात करता है। जिम्मेदार स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बचते दिख रहे हैं और रेत ठेकेदार के साथ मिलकर ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे हैं, पर जिला प्रशासन व जिम्मेदार नेता मौन धारण किए हुए हैं। शुक्ला, कहाँ के हैं आप? भोपाल। भोपाल से आए हैं और अभी यहाँ पर कैसे आए? कैसे आए? यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी आप? यहाँ पर मैं ये टोकन काटता हूँ और कैश लेते हैं। कैश लेते हैं, अच्छा। कितना रॉयल्टी कितना है अपने यहाँ? रॉयल्टी की जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, और टोकन काट रहे हैं आप? टोकन काट रहे हैं आप और रॉयल्टी की जानकारी नहीं। अभी कितना ले रहे हैं टोकन, अभी बताए भाई साहब ने? ये 3,300 है। ट्रैक्टर का? डग्गी का 3,300। हाँ। और ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर का 1,800। 1,800 रुपये। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आप इनको रॉयल्टी क्यों नहीं दे रहे हैं काट की? अभी रॉयल्टी कटवा नहीं रहे हैं वो लोग। क्यों नहीं कटवा रहे हैं? अब ये उनकी गाड़ियाँ रोक रहे हैं गाँव वाले। गाँव वाले रोक रहे हैं? हाँ। तो क्यों क्यों रोका जा रहा है? गाँव वालों को कुछ परेशानियाँ होंगी तो आपस में सुलझा ही जाएंगी। अच्छा, और अभी तक तब तक अभी आप इनको रॉयल्टी काट के नहीं देंगे? तो रॉयल्टी हम काट देंगे तो परेशान तो यही लोग होंगे ना, टाइम उनकी दिक्कत हो जाएगी, तो हम उनकी परेशानी को समझते हुए नहीं काट रहे हैं। क्या जीएसटी बिल काटा जा रहा है आपके यहाँ? जीएसटी की जानकारी मुझे ऐसी नहीं है, क्योंकि कागजी जो भी कार्रवाई होती है वो आपको सब वहीं मिलेगी कंपनी के ऑफिस में। कंपनी का नाम है आपका? कंपनी कहाँ है आपका? कंपनी है केजी डेवलपर्स। कहाँ पर है? भोपाल। भोपाल। ऑफिस कहाँ है इसका? भोपाल में। भोपाल में। क्या नाम बताए थे अपना? इंद्र शुक्ला। राम सिंह। कौन से गांव के हैं? बकही। कौन सा जिला लगता है आपको? अनूपपुर। अनूपपुर लगता है जी। आप लोगों ने ये रेत की गाड़ियां क्यों रोक रखी हैं? भाई, हमारे किसानन के मतलब जैसे नहीं दे रहा है वो। क्या? पैसा नहीं मिल रहा है, मुआवजा मान मान ले। कैसे यानी, पहले क्या कुछ बातें हुई थी? बात नहीं हुआ था। बात हुआ था कि देंगे हम। क्या? पैसा किराया जो मतलब देंगे हम। अच्छा, ये आपकी जमीन से लेके जा रहे हैं? हाँ जी। तो आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ था? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। क्या बोले थे ये आपको? यही हुआ था, महीने महीने हम देंगे पैसा। कितना पैसा देने के लिए बोले थे लोग? 3,000। 3,000 रुपये महीना जी। कंपनी वाले बोले? हाँ, कंपनी वाले बोले थे। अच्छा, तो अब नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, वही तो रोक रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? अब पता ही नहीं चलाता है, उतर नहीं है कहाँ थी। क्या बोलते हैं वो लोग कंपनी वाले? मारने की धमकी देते हैं। मारने की धमकी देते हैं? अच्छा, जो रेत खदान चला रहे हैं? खदान चला। क्या नाम बताए थे अपना? राम सिंह। कौन से गांव के हैं? बकही। किस महाराष्ट्र? कौन से गांव के हो? बकही का। कौन सा जिला लगता है? अनूपपुर जिला। हाँ, क्या समस्या हो रही है रेत खदान ठेकेदार के द्वारा? सर, यहाँ से गाड़ी चलवा रहे हैं, बीच पर बस्ती तरफ इतना डस्ट उड़ता है, एकदम परेशान कर रहते हैं। डस्ट के मारे कोई पानी भी नहीं डालते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाते हैं, उसके बाद मना करो तो मारपीट की धमकी देते हैं। कौन देता है धमकी? पता नहीं सर, मैंने चिन्ह पहचानता कौन है। ये रेत खदान के ठेकेदार के ही आदमी हैं? हाँ। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं गाड़ी जाने दो, नहीं मारेंगे हम। अच्छा, ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की लग रही हैं? सर, ये नहीं बता सकता कहाँ कहाँ गाड़ी लगती है। अच्छा, रेत जो खदान स्वीकृत है उसी खदान लगा रहे हैं कि चोरी वाली खदान से लगा रहे हैं? अब ये तो बोलते हैं पूरा नंदी हमारा है, अनूपपुर जिला में जितने नंदी फंसे पूरा अपना नंदी है। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? राकेश महारा। कौन से गाँव के हो? बकही का। सावित्री सिंह हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं, बकही से। बकही से? हाँ, अनूपपुर है जिला हम लोग का।
आपको क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? मेरे को, हम लोग को ये समस्या हो रही है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी खुलता है, टीकाकरण होता है, आते जाते हैं, लेकिन यहाँ जो चार पहिया वाहन चलता है उससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। इतना क्या समस्या हो रही है? हम लोग को यह समस्या हो रही है कि यहाँ से जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं टीकाकरण, अभी तो बंद है, बच्चे लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग आते हैं, बाकी जो केंद्र में है वो टीकाकरण होता है, पोषण आहार लेने आते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रैक निकलती हैं बड़ी बड़ी हाईवे गाड़ी और पूरा रहता है उस पे? हाँ, उसमें रेत रहती है और रेत पूरा भरा हुआ रहता है, जाते हैं फिर भी वापसी आती है इधर से, इतना परेशानी होता है, डस्ट इतना अंदर रहता है कि अब हम लोग क्या बताएं, डेली धोना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन यहाँ बाउंड्री और जो सरपंच है यहाँ के वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। सरपंच क्या नाम है आपके? नंदौआ सिंह है। तो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो? नहीं दे रहे हैं, हम लोग कितने बार बोले हुए। अच्छा, क्या और आपने शिकायत कहाँ कहाँ की अभी तक? अभी तक हम लोग अपने परियोजना कार्यालय में भी दिए, सुपरवाइजर हम लोग के आए थे वहाँ भी बताए थे, लेकिन वो आए थे तो गड्ढा को खुदवा दिए थे कि यहाँ से ट्रैक न निकले पिछले साल, फिर वहाँ से नहीं निकलती रही, लेकिन अब फिर से निकलना चालू हो गया। फिर से निकलना चाहते हैं। तो अभी आपने और कहीं पर शिकायत की इसके बारे में? नहीं, अभी तो नहीं की हूँ। क्या नाम बताए थे? सावित्री सिंह। कौन से गाँव की? बकही की हूँ मैं। अभी के लिए बस इतना ही, लगातार ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।